स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 6-7 में जो हमारा ग्रामर का पॉइंट चल रहा है, प्रीपोजिशन, वो हमने कल शुरू किया था। कल हमने हेरिटेज के ऊपर चर्चा की थी, इनका प्रयोग कैसे होता है, प्रीपोजिशन क्या चीज है, प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है और प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। आज जैसा कि कल मैंने बताया था कि इनका मतलब है वो अंदर या में होता है और इनटू है इसका मतलब इन या अंदर होता है। तो इन है उसका प्रयोग कहां होता है, इन कहां पर प्रयुक्त होता है और इनटू जिसका अर्थ है अंदर, जिसका अर्थ है अंदर है और निकलता है होता है, उसका प्रयोग कहां होता है, वे कौन से वाक्य हैं, वे कौन से नियम हैं जो हमें इन और इनटू में अंतर दिखाते हैं। तो कल हमने इनके प्रयोग में क्या पढ़ा था कि बड़े स्थान हैं उनसे पहले इनका प्रयोग होता है, छोटे स्थानों से पहले इनका प्रयोग होता है। फिर पढ़ा था महीनों के नाम, सन, ऋतुओं के नाम, इनसे पहले भी इनका प्रयोग होता है। और क्या पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु, जानवर, आदमी पहले से ही कहीं अंदर होने का बोध कराता है या पहले से ही अंदर है तो ऐसे शब्दों से पहले उस वाक्य के खाली स्थान में हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं जो मैंने कल आपको बताया था। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इनटू जिसका अर्थ भी क्या निकलता है, अंदर। क्या निकलता है? जिसका अर्थ भी अंदर से ही निकलता है। इनटू का प्रयोग कहाँ होता है तो इसके नियम, नियम नंबर एक, इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, आपका नियम क्या है, ऐसे वाक्य जिसके अंदर दो शर्तें पूरी होती हो, ऐसा वाक्य जिसके अंदर दो शर्तें पूरी हो रही हो, ऐसे वाक्यों के लिए इनटू का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। वो दो शर्तें क्या है? नंबर एक, पहला है स्थान परिवर्तन होना, दूसरा है गति होना। यदि एक वाक्य में जिसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं उसमें यदि ये दो शर्तें लागू हो रही हैं तो ऐसे वाक्य के अंदर जो खाली स्थान होता है वहां पर प्रीपोजिशन इनका प्रयोग न करके इनटू का प्रयोग किया जाता है। स्थान परिवर्तन होना और दूसरा है गति होना। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि एक लड़का बाहर खड़ा है, एक लड़का बाहर खड़ा है, वो कहता है मे आई कम इन सर, या श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं। टीचर ने कहा यस, हाँ। अब वो लड़का पहले कहां था, बाहर। टीचर ने जैसे उसको अंदर आने की स्वीकृति दी तो बच्चा है, लड़का है, वो अंदर आके खड़ा हो गया कमरे के अंदर, क्लास के अंदर। अब पहला पॉइंट उसका स्थान कहां था, पहले के बाहर। अब वो अंदर आ गया तो उसका स्थान कहां है, कमरे के अंदर। पहला नियम पूरा हो गया, उसका स्थान परिवर्तन हो गया, पहले उसका स्थान बाहर था, उसका कक्षा के अंदर है। दूसरा नियम क्या है, गति होना। गति होना कैसे, जब लड़का बाहर था तो चलकर के
चलकर आने में क्या हुई, गति हुई। तो दो ये जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हो, ऐसे वाक्य के खालिस्तान में इंटू का प्रयोग होता है। अब मैं यहां पर आपको एक दो उदाहरण है वो लिखा रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर शी खालिस्तान शी वेंट किचन, शी मान में वेंट मान गई खालिस्तान किचन, वह रसोई गई। अगर इसका सब तर्क निकालेंगे क्या होगा, शी मान में वेंट मान गई किचन रसोई, वह रसोई गई, क्या ऐसा वाक्य हो सकता है? देखो हमने यहां पर प्रीपोजिशन का बात कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन का कितना का महत्व है। इस वाक्य में प्रीपोजिशन नहीं है तो हम क्या अर्थ निकालेंगे, शी वेंट किचन, वह रसोई गई। और अगर हम इसका प्रयोग कर देंगे किसका, प्रीपोजिशन का, तो फिर देखो क्या अर्थ निकलता है। तो अब ये देखो शी मान वह वेंट मान गई किचन, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इंटू किचन। इसका मतलब उसका शी वह स्त्री लड़की महिला पहले कहां थी, वो बाहर आंगन में थी, बाहर थी दूसरे कमरे में थी, अब वहां से वो किसी काम के लिए रसोई घर में गई है। तो उस रसोई घर में जाने से उसका पहले उसका स्थान बाहर था, अब अंदर जाते उसका स्थान प्रियोजना, उसका स्थान रसोई घर के अंदर हो गया। दूसरी बात, जब वह बाहर से चल करके रसोई घर के अंदर गई है तो क्या हुई है, गति हुई है। इसलिए जिन वाक्यों में ये दो शर्तें लागू होती हैं उसमें प्रीपोजिशन इंटू भरा जाता है, इंटू भरा जाता है। दूसरा he jumped खालिस्तान रिवर पॉन, कुछ भी हो सकता है, ये मान उसने जंप छलांग लगाई, कूदा खालिस्तान रिवर या पॉन्ड, उसने नदी में या तालाब में छलांग लगाई। मान लेते हैं ये एक तालाब है या एक ये बहने वाली एक नदी है, तो ही नाम का एक ये ही कहता है, यहां पर हम अगर ये नाम ले देते हैं तो ले देते हैं राम। अब ये राम है वो नहाने के लिए नदी या तालाब पर जाता है, तो वहां पर उसके पास खड़ा होता है, अब राम का स्थान कहाँ है, उस नदी के उस ताल तालाब के किनारे पे। अब वो नहाने के लिए वो छलांग लगाता है, किसके अंदर, तालाब के अंदर, नदी के अंदर छलांग लगाता है। तो पहले उसका स्थान किनारे के ऊपर था, अब उसने छलांग लगाई तो वो कहां चला गया, पानी के अंदर, अर्थात उस तालाब या उस नदी के अंदर चला गया। नंबर एक, उसका स्थान परिवर्तन हो गया, पहले स्थान बाहर था, अब उसका नदी या तालाब के अंदर है। दूसरी बात, उसने छलांग लगाई है तो क्या हुई है, गति हुई है। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इसलिए यहां पर आएगा इंटू, ये दो कारण आपको बता। अब आप बच्चा छह साल के जिम्मेदार किए, आपने शायद प्रीपोजिशन पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपको गो से और जो वाक्य में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है आपने पहले प्रीपोजिशन नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी और ज्यादा समझ में आ जाएगी। अब यहां बात आएगी जंप, देखो जंप जंप जंपी, ऐसे ये जो शब्द है इनके बारे में यदि खालिस्तान है तो इंटू आता है, क्या आता है, इंटू आता है इनसे पहले। लेकिन यहां पर बच्चों एक ध्यान देने की बात यह है कि ये जो छलांग लगाई जाती है ये काम होनी चाहिए
नीचे की ओर होनी चाहिए, बराबर में होनी चाहिए। अगर किसी ने सलाम ऊपर लगाई है तो उसके लिए किंतु नहीं आएगा। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। यहां पर एक टेबल पड़ी है, उस टेबल के ऊपर और किसी कटोरी में या किसी बर्तन के अंदर दूध पड़ा है, दूध रखा हुआ है। उस टेबल की ऊंचाई 2 फीट 3 फुट ढाई फुट कितनी भी हो सकती है, पर्स के ऊपर पड़ी है 2-3 फुट पर। अब बाहर से एक बिल्ली आई है, वो बिल्ली जैसे कमरे के अंदर घुसी तो उसने देखा कि टेबल के ऊपर एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर दूध है। अब मुझे ये बताइए आप कि ये बिल्ली है उस दूध तक पहुंचने के लिए, इस दूध को पीने के लिए क्या करेगी? आपका उत्तर होगा कि वो छलांग लगाएगी। लेकिन बच्चों ये बताओ मुझे, वो छलांग नीचे की ओर लगाएगी, सामने लगाएगी या ऊपर की ओर लगाएगी? तो शायद आपका उत्तर ये होगा कि बिल्ली है वो दूध पीने के लिए उस बर्तन के ऊपर की ओर छलांग लगाएगी। जब छलांग ये बिल्ली है ऊपर की ओर जब छलांग लगाती है तो यहां पर मानो झड़ है, तो ध्यान रहे ऐसी स्थिति में इनटू नहीं आता है। अब दूसरा क्या है, यहां पर आप आगे प्री क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें से आएगा। तो कहने का मतलब है छलांग सामने या नीचे की ओर लगानी चाहिए या होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें खालिस्तान के बाद में हमेशा और इनटू का प्रयोग होता है, जैसे चेंज इनटू, जैसे ट्रांस लेट इनटू। चेंज का मतलब बदलो, जैसे चेंज दी सेंटेंस खालिस्तान इंग्लिश, तो चेंज के बाद वाले वाक्य में शब्द में ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। ट्रांसलेट दी सेंटेंस इनटू हिंदी, ट्रांसलेट दी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो ऐसे ट्रांसलेट और एक आता है चेंज, एक आता है ट्रान TURN। इसके बाद में भी हमें समझ में क्या आता है इनटू का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। अब देखो यहां पर मैं वाक्य बताता हूं, चेंज दीज सेंटेंस, सेंटेंस चेंज दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, या हिंदी। अब ये आया चेंज माना अनुवाद को बदलो, दीज माने ये सेंटेंस माने वाक्यों को खालिस्तान हिंदी, तो ऐसे में क्या आएगा इनटू आएगा। तो ये था इनटू का प्रयोग, किसका इनटू का प्रयोग। इसी तरीके से यहां पर चेंज की जगह आ जाता है, क्या जाता है ट्रांस लेट द पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। हिंदी में आपको पैराग्राफ दिखाया गया उसको किसमें ट्रांसलेट रूपांतरण करना है, क्या करना है ट्रांसलेट रूप का अंतर करना है, रूप को बदलना है। जैसे हिंदी की बात है वो इंग्लिश में आ जाती है, इंग्लिश की बात हिंदी में आ जाती है, तो उसका शब्द का उस वाक्य का उस पैराग्राफ का जो रूप है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा क्या बना जाता है इनटू बना जाता है, क्या बना जाता है इनटू। तो ये ऐसे शब्द हैं जिसके साथ हम वो क्या करते हैं इनटू का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे टर्म हैं जैसे
वाटर रन्स इनटू आइस क्या होगा इनटू होगा पानी है वो टर्न बदलता है इनटू आइस आइस का मतलब क्या हुआ बर्फ तो इस तरीके से ये जो इनटू वाला जो प्रयोग है वो पूरा होता है अब आप समझ गए होंगे कि इन और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है कैसे शब्दों के लिए होता है और इनका प्रयोग कहाँ होता है कैसे शब्दों के लिए होता है और इन दोनों में अंतर क्या है तो ये था इन और इनटू में अंतर इन पर मैंने आपको वाक्य बताए इनटू पर बताए दोनों के मैंने आपको नियम बताए हैं समझाए हैं शायद आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब हम इसके बाद आगे हमें दूसरा जो हमारा ये पॉइंट है वो लेते हैं क्या है वो दूसरा पॉइंट का मतलब दूसरे पॉइंट का मतलब है यहाँ का जो प्रीपोजिशन है वो दूसरा लेते हैं अब आता है यहाँ पर हम जो करेंगे एट का किसका प्रीपोजिशन है एट एट का अर्थ है मैं के अर्थ में भी निकलता है पर के अर्थ में भी निकलता है एट इनका प्रयोग है वो कई तरीके से होता है कहीं पर जब हमें एट को पढ़ेंगे तो पर आएगा कहीं इन पर आएगा तो हम इसको वाक्य में प्रयोग करके नियम लिख करके और देखेंगे ये एट का प्रयोग कैसे होता है और किन किन स्थानों पर होता है इनकी क्या क्या नियम है तो पहला नियम क्या है पहला नियम है कि छोटे स्थानों से पहले एच का प्रयोग यहाँ तो ये प्रयोग है कुछ ऐसे स्थान है स्थाई जिस पर से पहले एच का प्रयोग यहाँ छोटे स्थान का क्यों नाम दिया क्या हमने ये भी पढ़ा था कि बड़े स्थानों से पहले हमेशा हर स्थान में इनका प्रयोग होता है तो छोटे स्थानों से पहले एच का प्रयोग होता है छोटे स्थान क्या है घर एट होम एट बस स्टैंड एट रेलवे स्टेशन एट डोर ये सब क्या है एट हॉस्पिटल एट कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ये सब क्या है छोटे स्थान है इन छोटे स्थानों से पहले यदि खाली स्थान है तो किसका प्रयोग होगा एट का प्रयोग होगा इनका नहीं होगा जब एक वाक्य में एक बड़ा स्थान दे रखा है एक छोटा स्थान दे रखा है तो बड़े स्थान से पहले इन छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग होगा जैसे आई एरेंज विद एट होम आई रीच एट होम जैसे होम एज
जैसे डोर, जैसे बस स्टैंड, जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे यहां आप एक बार मान लेना एच 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 हॉस्पिटल एच एयर और बहुत सारे शब्द हैं। क्या है ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे पहले क्या आता है ये शब्द से एच स्कूल एच कॉलेज एच यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं उनसे पहले क्या आता है छोटे शब्द से पहले एट का प्रयोग तो शायद आपके एट का शब्द एट का प्रयोग है वो समझ में आ गया एक नियम अब आप छोटे स्थान मानिए या कुछ ऐसे निश्चित शब्द हैं जिनसे पहले हमेशा एट का प्रयोग होता है वो ये शब्द है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर दूसरा प्रयोग इसका दूसरा नियम है क्या तो एट का दूसरा नियम है घड़ी का समय क्या है घड़ी का समय घड़ी के समय से पहले एक का प्रयोग एक वाक्य उस वाक्य में घड़ी का समय दिखाया गया है तो उस समय से पहले हमें एक का प्रयोग करना है जैसे शी अरेंज्ड सीरीज में हियर एट फाइव यहां एट का मतलब अच्छे ईमानदारी सम्मान पहुंच पहुंची यह मान यहां एट फाइव फोर क्लॉक यानी वह यहां पर 5 बजे पहुंची तो इसी प्रकार अब यह जो घड़ी का समय है 5 बजने वाला यहां पर कितने बज के कितने मिनट सेकंड कुछ भी हो 2 बजे 5 बजे 7 बजे 9 बजे 11 बजे 12 बजे 11 बजे कितने मिनट 11:30 पौने 12 जो भी समय हो उससे पहले ये खाली स्थान है तो हमें क्या बनना है एक बनना है लेकिन ध्यान रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस यदि वाक्य है या उस कर्ता के बाद आपको हैज बीन हैव बीन हैड बीन शैल हैव बीन और यदि विल हैव बीन साइकिल या जीवन इनमें से कोई एक तो ध्यान रहे इन समय सूचक शब्द से पहले सिंस आएगा एनिसी समय है तो फोर आएगा वो सिंस फोर वाला वाक्य तो उसमें इस नामांकन कैसे करें आप यहाँ खालिस्तान है खालिस्तान के बाद में घड़ी का समय दे रखा है तो आप परीक्षा में भ्रमित हो सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या बोलूँ आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है यदि कर्ता के बाद सही क्रिया हैज बीन हैव बीन हैड बीन शैल हैव बीन और विल हैव बीन दे रखा है तो आपको सिंस बनना है और अगर वो हैज बीन हैव बीन हैड बीन शैल हैव बीन विल हैव बीन सही क्रिया कर्ता के बाद नहीं दे रखी है तो आपको क्या करना है एड बनना बस हो गए अब ये घड़ी का समय उस पर हम एक वाक्य पढ़ लें चाहे 20 वाक्य पढ़ लें बाद अब मैं आगे आपको एक का तीसरा नियम बता तीसरा नियम है वो एड का क्या है तो जैसे कुछ
शब्दों से पहले एच। कुछ ऐसे समय सूचक शब्द हैं जिनसे पहले हमेशा ही इसका प्रयोग होता है, एच का प्रयोग होता है, जैसे एच नाइट, दूसरा एच मिडे नाइट, एट नाइट, एट मिड नाइट, एट नून, एट आफ्टर नून, एट नाइट रात्रि में, मिड नाइट मध्य रात्रि में, एट नून दोपहर, और एट आफ्टर नून का मतलब होता है दोपहर के जो बाद का समय होता है उससे पहले ये एच डाउन। एक होता है एच डी ए डब्ल्यू एन, ध्यान रहे डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, डाउन का मतलब तो नीचे होता है, क्या होता है नीचे होता है, यहां सही डी ए डब्ल्यू एन है, इसका मतलब होता है उत्साह का, क्या होता है उत्साह काल होता है। उत्साह काल समय कौन सा होता है बच्चों, जब सूर्य उदय होता है उससे पहले पूर्व दिशा में हमें बादलों में एक लालिमा सी दिखाई देती है, भोर का समय, उसको हम क्या कहते हैं डाउन, उत्साह काल का समय होता है। तो ये था कुछ समय सूत्र के शब्दों से पहले एक का प्रयोग, यानी परमानेंट स्थाई शब्द है इनसे पहले हमेशा एक का प्रयोग होगा। तो ये थे हमारे एट के प्रयोग। अब इसके अंदर नियम एक दो और भी हैं, लेकिन आपके लिए इतना काफी है, क्यों कि आप ज्यादा नियमों में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बता रहा हूं। तो आज की वीडियो में हमने एट के दो तीन चार नियम पढ़े हैं, उनके साथ आप जुड़े रहे, यहां ध्यान रहे नोट मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग और टी वी ई एन आई एन जी इवनिंग, ये दोनों शब्दों से मिले जुले हैं, लेकिन इन शब्दों से पहले है वो हमेशा क्या आता है इन आता है, क्या आता है इन आता है। अब वैसे जो नाइट है इससे पहले भी इन नाइट आता है, लेकिन वो इन नाइट क्यों आता है, इन कब आता है, आपको ज्यादा नियम बताऊं तो आप भ्रमित हो जाओगे। कोई विशेष रात्रि की बात है, कोई विशेष रात हो तो उस विशेष रात का जब हम वर्णन करते हैं या जिक्र होता है उससे पहले नाइट से पहले इनका प्रयोग होता है। तो ये थोड़े कंजस्ट नियम है, ये आपके दिमाग से थोड़े बाहर है, इसलिए आप एक बार जो मैंने बताए हैं इतने पर रहना, आगे देखो इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी समय सूचक शब्द है इवनिंग और मॉर्निंग। तो इवनिंग और मॉर्निंग से पहले इन, बाकी ये समय सूचक है रात्रि मध्य रात्रि सुबह ये सॉरी दोपहर दोपहर बाद इन सभी से। तो आपके पास इन इन टू और एट, ये तीन जो प्रीपोजिशन है वो हो गए हैं, तीनों के नियम लिखा दिए हैं, आप अपने ग्रामर के साथ एक्सरसाइज निकालिए, जाते ही वीडियो में कोई समस्या लगे तो मुझे कॉल करके जरूर बताएं। तब तक आप इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए, घर बैठे बैठे एकाग्र चीज एकाग्र मन करके वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, स्वस्थ रहें, डरते रहें, धन्यवाद।